हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। आज हम फिर से बात करेंगे थायराइड के बारे में। इस वक्त काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले रहे हैं थायराइड के लिए, और डायबिटीज के भी पेशेंट्स हैं मेरे पास, और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड और डायबिटीज दोनों हैं, और कुछ हाई बीपी हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट्स मेरे पास इस वक्त हैं। काफी सारे लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हैं जब से मैंने अपना जो फोन नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया के साथ शेयर किया है। पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे ये सेफ नहीं लगता था, बट क्योंकि मैं 2014 से इस चीज के ऊपर काम कर रही थी, तो जब लोगों ने मुझसे बोला कि आप प्लीज पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी हमारे साथ आ जाइए, तब मैंने बहुत सोच विचार करके अपना जो फोन नंबर था, जो अपना व्हाट्सएप नंबर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया। और वो आपको उसका जो पूरा डिटेल है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात मैं आप लोगों से जो करूंगी, काफी लोग इस चीज से भ्रमित रहते हैं कि जैसे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे थायराइड है और मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन छोड़ना चाहती हूँ, और मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं काफी बार इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज फिर आप लोगों से यही बात करूंगी कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ अपनी लाइफ के अंदर की है, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो लाइफस्टाइल को लेकर हो, चाहे आपका रूटीन गड़बड़ हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, ज्यादातर जो लोग हैं उनको अगर फैटी लीवर का इश्यू है तो भी उनका TSH कई बार हाई होता है, और अगर उनके अंदर उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको कि हॉशिमोटो थायराइड कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ही हमारे अगेंस्ट काम करता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करता है तो वो उसके जो शिकार होते हैं वो केवल हमारा थायराइड ग्लैंड ही नहीं होता, समटाइम्स हाथों पैरों में दर्द होना, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जैसे हेयर फॉल होना, ड्राई स्किन होना, आपके हेयर फॉल होना, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है, डाइजेशन पुअर हो जाता है, और समटाइम्स जो होता है कॉन्स्टिपेशन इश्यू जो होते हैं वो रहते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो थायराइड के पेशेंट होते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं कि उनका जो पेट होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है, यानी कि सेकेंडरी सिम्टम भी मैं इसको कह सकती हूँ। और जो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो मैं उनके जो भी कोई आपको, जैसे आपने मुझे बोला कि आपको थायराइड का इशू है, आपने मुझे अपनी रिपोर्ट भी सेंड की, आपने बोला मेरा TSH इतना है, T3 T4 नॉर्मल है। एग्जैक्टली जब मैं कई बार लोगों के साथ बात करती हूँ तो वो कहते हैं मैडम मेरा T3 T4 नॉर्मल आया है बिल्कुल, बट TSH हाई है। तो वहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 नॉर्मल रहे, इसीलिए TSH जो होता है वो हाई जाता है। तो T3 T4 नॉर्मल रहने के लिए ही आपका TSH हाई जाता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनका T3 और T4 भी नॉर्मल नहीं होता, तो उनके साथ जो होती है प्रॉब्लम्स दूसरी होती है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि थायराइड की जो कॉजेज होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका जो डाइजेशन है वो पुअर है, ठीक से नहीं है, आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर पूरा नहीं होता। क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं तो मैं हर एक, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, तो मेरा फोकस कभी ये नहीं जाता। हालांकि मेरे पास ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं, ज्यादातर लोग मेरे साथ ऐसे कॉन्टेक्ट में हैं जिनका वेट जो है वो ओवर है, वो ओवर वेट होने की वजह से शायद उनको ये TSH वगैरह हाई है, या फिर उनका जो जो उनका डायबिटीज का जो लेवल है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ऐसे लोग हैं मेरे साथ। लेकिन मेरा जो पूरा फोकस होता है उनको ठीक करने के लिए, प्राइमरी कॉज का मतलब ही यही होता है कि आप बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या प्रॉपर है या नहीं, वो चीज मैं हमेशा चेक करती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता और आप सिंथेटिक हॉर्मोन्स जो है वो ऊपर से खाना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी कह सकती हूँ और एक मतलब बदकिस्मती भी कह सकती हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो कि आपकी ये एल्थ्रोक्सिन है, थायरोक्सिन है, थायरेनोम है, ये जो मेडिसिन है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आप इसको एज अ ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए आपको डॉक्टर कहता है कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके जो प्राइमरी कॉज है, जो उसका रूट कॉज है, उसके ऊपर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं ये भी करूंगी कि काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हम ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैम हम
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मैं क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलर रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मेरा जो थायराइड है वो नॉर्मल आ जाए उससे। देखिए मैं आपको ना एक यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही बारीक एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड का जो इम्बेलेंस होता है, कई बार हम जैसे आप लोग भी जानते होंगे, जिंक है, सेलेनियम है, D3 है, B12 है, या फिर कैल्शियम, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है समटाइम्स जो जिनको थायराइड का इश्यू होता है। अगर इनमें से और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिनकी डिफिशियंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर है, तो आपका जो थायराइड है वो, यानी कि जो आपका TSH है, वो नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा इफ यू आर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, बोथ आर बेस्ट, बट आपके न्यूट्रिशन की कमी को वो पूरा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप आयुर्वेदिक की तरफ भी जाते हैं, तो आयुर्वेदिक, जो लोग आयुर्वेदिक के जानकार हैं या जो लोग इस वक्त आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं थायराइड के लिए, उन लोगों को ये पता होगा कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें ज्यादातर मेडिसिन जो होती है वो कचनार गुग्गल, जिसको बोलते हैं गुग्गल, ये मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। इसका काम होता है कि आपके जो जो भी आपके नेक होती है, गले, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपके गले के अंदर ही होता है, नेक में होता है, इस नेक के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर ओवर है या अंडर है, यानी कि अगर आपका ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव है या फिर अंडर एक्टिव है, वहां पर ये जो कचनार गुग्गल जो होता है, जिसको बोलते हैं, वो काम करता है। दूसरी बात, अगर हम लिवर की बात भी करें, तो लिवर के जो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार बता देते हैं कि आपका जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी मेडिसिन दे देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपको इंडाइजेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर आपका जो ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, अगर ओवर एक्टिव है तो आपको ये जो आपको हाइपर थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपका अंडर एक्टिव है तो आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, तो यहां तक तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो ठीक जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल का जो मेजर इश्यू है ना, वो दो तरीके से, जो मैं जैसे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, या मेरे पास जो भी कोई है जो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है, मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। मैं सिर्फ खाना और डाइट जो होते हैं वही चेंज करती हूँ, और ना ही मैं कोई बहुत ज्यादा फैंसी डाइट देती हूँ। नॉर्मल घर का दाल चावल सब्जी रोटी, जो जो भी कुछ, यही होता है जो आप लोग खाते हैं, आपके रीजन में जो मिलता है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, वो इंडिया के भी हैं, इंडिया से बाहर के भी हैं, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स के जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो उनके स्टेट में क्या उनको अवेलेबल होता है, उस हिसाब से जो बिल्कुल नॉर्मल और जनरल डाइट होती है वही मैं देती हूँ। उससे ज्यादा कोई ऐसी बहुत एक्सपेंसिव डाइट होती है या फिर बहुत हाईफाई डाइट होती है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं होता है उन लोगों को देने का, और ना ही मैं देती हूँ। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है, कई बार लोग न्यूट्रिशन में कमी उनकी होती है जिस वजह से उनका TSH हाई जा रहा है, तो वहां पर मैं ये जरूर करती हूँ कि मैं उनको एक अच्छा सप्लीमेंट जो होता है वो एडवाइस कर देती हूँ, और वो भी जो वो सप्लीमेंट जो होता है वो भी आप ऑनलाइन ही परचेस करते हैं, उसको मैं अपने आप से नहीं देती हूँ। तो ये मेरा तरीका है, और जहां तक मुझे लगता है आप लोग भी शायद अग्री करेंगे इस बात से कि अगर ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम अपने लाइफ को ऑर्डर में लेकर आते हैं, अपनी लाइफ को ठीक तरीके से चलाना शुरू करते हैं, तो क्यों नहीं हमारी ये सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। और एक जो लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने ही मेरे साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक या मैं पूरे साल साल भर तक उनका ट्रीटमेंट ही करती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इस मामले में नहीं हूँ, मेरा जो एक एजेंडा है वो यही है कि लोग ठीक होने चाहिए बस। तो मैं जब भी कोई मेरे पास आता है और मेरे पास मुझे बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल सेशन जो होता है वो बुक करती हूँ। उसमें उनकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो मैं लेती हूँ उनसे, और उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है, आपको लिवर का इश्यू है, आपके अंदर न्यूट्रिशन कम है, आपको इस तरह, आपको हॉशिमोटो है, आपको इम्यून सिस्टम जो है वो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से TSH हाई हो जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो उनको बताती हूँ, उनको समझाती हूँ, उसके हिसाब से मैं उनकी डाइट जो होती है वो डिजाइन करती हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ, अगर नहीं पड़ती है तो मैं उनको ऐसे ही सिर्फ डाइट ही देती हूँ।
इस तरीके से 2 से 3 महीने में जो बंदे होते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए ताकि आगे आने वाले सालों में जब तक वो लोग हैं इस दुनिया में तब तक जिंदगी जो है वो एक अच्छी जिंदगी जिए, एक मतलब हेल्दी लाइफ जी सके, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हम कहाँ पर गलत थे। यही मेरा एक मकसद होता है उन लोगों को बताने का। और टचवुड मतलब ये एक बहुत ही मैं कहूंगी कि भगवान का शुक्र है इस बात का कि अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जब भी मैं उनको डाइट देती हूँ तो विद इन 2 वीक्स या 1 वीक्स में ही वो मुझे इसका जो है फीडबैक, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जब भी आपको कोई भी फीडबैक मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइए। तो काफी सारे लोग हैं जिनका एनर्जी लेवल काफी डाउन है तो उनका एनर्जी लेवल जो होते हैं जो बेटर होने लग जाते हैं। काफी लोगों को शरीर में जो होता है हल्कापन महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डाइजेशन का इशू खत्म हो जाता है, डाइजेशन उनको प्रॉपर होता है, नॉर्मल, मतलब पहले वो त्रिफला वगैरह लेते थे या ऐसी कोई भी चीज लेते थे लेकिन अब जो है डाइजेशन उनका जो है वो ठीक होने लगा है, या फिर उनको जो लेथार्जिकनेस पहले रहती थी वो ठीक होने लगी है, माइंड जो होता है वो काफी रिलैक्स रहने लगा है। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा जरूरी बात करूंगी, एक मेरी क्लाइंट है, बहुत प्यारी क्लाइंट है, वो है किरण जो कि पुणे की है और मुझसे पिछले 2 महीने से, 2 या 2.5 महीने से शायद वो मुझसे जुड़ी हुई है। और जिस वक्त मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था और मतलब वो मेरे, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर देखा था वीडियोस में और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फोन पे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपसे थायराइड की मेडिसिन छोड़ना चाहती हूँ और मैं आपसे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके, आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हो और आपकी थायराइड की जो मेडिसिन है वो भी पूरी तरीके से छूट जाएगी। वो ओवरवेट भी थी और मोटिवेशन की कमी उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। जब मैंने स्टार्टिंग में उनसे बात की थी मैंने कहा देखिए आप मुझे पेमेंट भी कर दोगे, मैं आपसे सेशन भी ले लूंगी, आप मेरे साथ, आप मुझे डाइट, मैं आपको डाइट भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन उसके बाद जो काम है वो आपको करना है। तो मुझे आज तक उनके जो शब्द है वो याद है, उन्होंने बोला था कि हाँ आप मुझे सब कुछ बता देंगी लेकिन उसको आचरण में तो मुझे ही लाना है। मैंने कहा बिल्कुल, यही चीज जो है वो समझने की है कि डाइट लेना और एडवाइस लेना और अपनी प्रॉब्लम को समझना कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, ये सब चीजें जो होती है ये सब चीजें एक मतलब अलग तरीके से काम करती है, लेकिन उस चीज को फॉलो करना जो है वो उन्हीं के हाथ में होता है जो लोग मुझसे डाइट लेते हैं या जो मुझसे एडवाइस लेते हैं। सप्लीमेंट भी मैं उन लोगों को एडवाइस करती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनसे, जब अब अक्सर वो मुझसे, मतलब एक तो उनका रूटीन बहुत अच्छा है, डेली वो मुझे अपना वेट जो है वो अपडेट करती है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ कनेक्ट भी रहते हैं। डेली मुझे अपना वेट वो देती हैं और अब तक उनका जो वेट है वो आई थिंक 74 से अब उनका 66 पॉइंट समथिंग जो है उनका वेट आ चुका है। तो मतलब जितना खुशी उनको होती है, बहुत खुश होती है वो, क्योंकि उनको काफी सारे कमेंट्स मिलते हैं, काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिलते हैं कि पतली हो गई हो, अपना खुद मुझे वो बताती है कि उनका शरीर जो है वो काफी हल्का हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ उनके शरीर के अंदर चेंज आया है, ना सिर्फ उनके एनर्जी लेवल्स बेटर हुए हैं, बल्कि जो छोटी छोटी बातें वो मुझसे शेयर करती हैं, जैसे कि पहले उनके अंदर जो मोटिवेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था जहां तक मुझे लगता है, और अब उनके अंदर खुद से जो पॉजिटिव एनर्जी वो फील करती हैं जब वो मेरे साथ शेयर करती हैं, तो उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मैं किसी के लिए इतनी हेल्प जो है वो कर पाई हूँ। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो जीवन में होते हैं और न सिर्फ हम लोग एक मतलब न्यूट्रिशनिस्ट और एक क्लाइंट की तरह हम लोग साथ में रहते हैं बल्कि एक बहुत अच्छा रिलेशन जो होता है वो बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया से भी हैं और इंडिया से बाहर के भी हैं। और एक मेरी क्लाइंट है सोमा सिंह है, राजस्थान की हैं और उन्होंने इस दिवाली पे मुझे काफी बहुत ही खूबसूरत जो है वो गिफ्ट भेजा है, बल्कि मैं यही कहूंगी कि उन्होंने अपनी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो मुझ तक भेजी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब बहुत अच्छे अच्छे लोग इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में आप लोगों से जुड़ते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं और साथ साथ प्यार भी बहुत सारा देते हैं। तो ये थी मेरी आज की आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। और मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं,
सबसे पहली बात आपको अपना माइंड सेट करना है कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है, ये सिर्फ एक इम्बैलेंसिंग है जो हमारी लाइफ के अंदर है और हमें उसको पूरी तरीके से बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ डाइट, विद द हेल्प ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड विद द हेल्प ऑफ राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट आई थिंक, अगर जरूरत पड़ती है तो. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद मी. टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय.